ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको तकलीफ दी है, ये कोई आम वाकया हुआ था 12 तारीख को शाम को 7 बजे। कोई दुकानदार पर बंदा आया बैठा था, उसको किसी ने फायर मार दिया था, और उसके बाद जो उसके से हमारे एसएसपी साहब आए, वो भी उसी टाइम से क्राइम सीन पर आ गई थी और उसने देखा था। उसके बाद उसने एक टीम बनाई, मेरे निगरानी में टीम बनी थी वो, जिसमें हमारा शोआब कोलाची साहब सी आई इंचार्ज साहब है इंस्पेक्टर, और इकबाल ये जो है वसान साहब है इंस्पेक्टर एस एच ओ पटीजन, इन्होंने जो तफ्तीश की और हमारी टीम बनाई थी कि इनको ढूंढें। उसके बाद हमने जो है इसके टेक्निकल बुनियादों पर और दूसरे तरीके से भी हमने जो है इन्वेस्टिगेशन इसको की। उसके बाद जो है उसमें हमने बंदे जो है ने दोनों दो बंदे हमने गिरफ्तार कर लिए, एक का नाम आशिर है, दूसरे का नाम है ये अली नवाज उर्फ अली राजपत। मैं दोनों को हमने गिरफ्तार भी किया है, असला भी इसने बरामद किया है। अच्छा, इसका मसला ये है कि अभी एफ आई आर रजिस्टर हो गई है, उसमें मुदई जो है उसका भाई असद मुदई बना है, उसने एफ आई आर रजिस्टर कराई दिए दोनों बंदों पर। और उसके बाद जो है एफ आई आर के बाद अभी जो उसके मसला इनका ये था, मैं बताता चलूँ कि इनका क्यों उसको मारा गया, क्यों उसको फायर किया। पहले तो ये जख्मी था बेचारा, उसके बाद अस्पताल गया तो उधर वो फौत हो गया। मसला इनका पैसे के मसले पे हुआ था। ये थोड़ा मैं बताता चलूँ कि ये नशा वशा भी करता था, जैसे शराब का नशा, आइस का नशा, नशा वो पैसों के न होते हुए वो लेता था, वो शरीफ बंदा था यार, तो उससे उनको 2-3 मरतबा लड़ाई झगड़ा भी हुआ, इस पर ये घर छोड़ कर चला गया था। उसी वजह से इसने जो मसला किया अपने भाई के साथ ऊपर फायर किया, पैसों के लेती लेती के मसले पे जो है ये मसला हुआ है। और हमने माशाल्लाह दोनों मुलजमों को हमने गिरफ्तार किया है और असला भी बरामद कर लिया है।